एस न्यूज सच का साथी। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने राधा रोड स्थित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में आयोजित रोजगार निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित हॉस्पिटैलिटी इंश्योरेंस सिलाई रिटेल सोलर से संबंधित लैब एवं व्याख्यान कक्षाओं में युवक व युवतियों के प्रशिक्षण में सहायक रूप से उपलब्ध विभिन्न उपकरणों व संसाधनों का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र संचालन का निर्देशन करते हुए कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बेरोजगार युवक युवतियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं अन्य आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने पूर्व केंद्र में माध्यम से रोजगार प्राप्त करने संबंधी जानकारी ली और केंद्र संचालक अक्षय सक्सेना ने बताया कि पूर्व में 2100 आवेदकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 17 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के उपरांत पात्रता के आधार पर विभिन्न कंपनियों में 1300 युवक युवतियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है। 24 अगस्त को ये संपन्न हुए रोजगार मेले में 400 युवक एवं युवतियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 15 कंपनियों द्वारा 276 युवक युवतियों को पात्रता के आधार पर चयन करके अंतिम रूप से नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित कौशल भारत कुशल भारत टीम के साथ साथ प्रधानमंत्री केंद्र के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ऐसे युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ना है जो रोजगार से वंचित हैं, उन्हें रोजगार परक कुशलता प्रदान करके उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हुए जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इस दौरान GMDI कृष्ण कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। रामपुर से हारून पाशा की रिपोर्ट। ABPS न्यूज सच का साथी।